भाजपा द्वारा भाजुमा हुंकार रैली जो कि 22 सितंबर को कांगड़ा के नगर परिषद मैदान में आयोजित की गई थी, उसका नाम ही भाजपा ने ऐसा रखा था जैसे वो किसी के साथ लड़ने जा रहे हो। जब भाजपा ने 3 वर्ष पहले केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी तो उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आज इसी वर्ष के आंकड़े हैं जो जनवरी से लेकर आज दिन तक नोटबंदी और जीएसटी के कारण लगभग 25 लाख रोजगार जो है वो देश का चला गया है। ये बात शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने एक खास मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर ये बात नहीं करते। उन्होंने सरकार पर आरोप चढ़ते हुए कहा कि जब भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई थी तो ये लोग कहते थे कि वो राशन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल को सस्ता करेंगे, लेकिन आज ये वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज रात के 1-1 बजे तक वित्त मंत्री सबको बुलाकर बैठ के करते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए। उन्होंने आरोप जड़ा है कि खुद ही इन्होंने अपनी गलत नीतियों की वजह से ऐसे हालात देश के अंदर पैदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आप खुद देखेंगे 1-2 महीने के अंदर देश की अर्थव्यवस्था और नीचे जाएगी। उन्होंने कहा कि जब माननीय मनमोहन सिंह ने लोकसभा के अंदर इस बारे में कहा था तो उनका सभी ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा लंबे लंबे भाषण देकर लोगों को राशन नहीं मिलेगा। देखिए वो तो नाम ही उन्होंने इस तरह का रखा है जैसे कि किसी के साथ लड़ने जा रहे हों। अगर युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिसने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार जो है हर वर्ष देंगे, आज इसी वर्ष के आंकड़े हैं, आप जनवरी से लेकर के अभी तक जो है वो लगभग 25 लाख रोजगार जो है वो देश का चला गया नोटबंदी और जीएसटी के कारण। महंगाई जो है आज चरम सीमा पर है, उस पर ये बात नहीं करते। उस समय कहते थे कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, राशन सस्ता करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, आज उसके दाम कहां पहुंच गए हैं। पूरी तरह से विफल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही है। आज 1-1 बजे तक जो है देश के वित्त मंत्री मीटिंग करते हैं सबको बुला करके कि अब क्या किया जाए, तो खुद ही आपने जो है वो अपनी गलत नीतियों की वजह से ऐसे हालात देश के अंदर पैदा कर दिए। और अभी ये शुरुआत है, आप देखेंगे 1-2 महीने के अंदर अर्थव्यवस्था और नीचे जाएगी। जब माननीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा के अंदर कहा था तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, तो लंबे लंबे भाषण दे करके जो है वो लोगों को राशन नहीं मिलेगा।